हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि जो गेट का कैलकुलेटर है ना, वो आप कैसे यूज़ करोगे। तो कई स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे, एक दो स्टूडेंट्स की मेल भी आई थी कि मैम कैसे हम कैलकुलेट करें। ठीक है, तो आप जैसे अगर गेट का पेपर दोगे, गेट डिफरेंट एग्जाम्स हो सकता है आपका, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो साइड में जैसे आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं और ये आपको मिलता है, जैसे ये क्वेश्चन चलेंगे आपके। ठीक है, जैसे आपका पहले जनरल एप्टीट्यूड है, यहाँ आप क्लिक करके जनरल एप्टीट्यूड आ जाएगा। यहाँ आप केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस देखने हैं, और कैलकुलेटर आपको यहाँ मेंशन होता है, कहीं देख लेना आप। यहाँ जब आप क्लिक करते हो ना, तो ये आ गया आपका। अब इसको जैसे हम एक बार जूम करके आपको बता देते हैं, हम वैल्यू लेंगे कुछ, ताकि आप समझ आ जाएगा कैसे कैलकुलेट। अब देखिए, ऐसा आपको इंटरफेस शो होगा कैलकुलेटर में, ये थिंग्स हैं। तो सबसे पहले तो ये थिंग्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। एक एम सी है, ये एम आर है, एम एस है, एम प्लस, इनका क्या मतलब है। देखो, एम स्टैंड्स करता है यहाँ पे मेमोरी के लिए। ठीक है, अब एम एस का मतलब होता है कि आपने कुछ भी, हम आगे सोल्व करके बताएंगे आपको कैसे न्यूमेरिकल। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम जनरल से चलते हैं, सम करना है आपको। जैसे अब तो पहले आप वैल्यू लिखिए, अब सम करना है, मान लो 5 प्लस में हमने सम करना है, 3 का ऐड करना है, तो यहाँ इक्वल टू करो तो 8 आ गया। ठीक है, अब मान लिया इसको आपको 8 में ही कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करनी है आपको, तो 8 आपने लिखा, इसको एम एस पे क्लिक कर दीजिए। इसका मतलब हमारे कैलकुलेटर में मेमोरी के सेव हो गया है 8 वैल्यू। यहाँ से आप इसको क्लियर करें। अब 8 में आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पे हमें 5 कर दिया और हमने एम प्लस, और फिर हमने क्या करेंगे, मेमोरी को रिकॉइल करेंगे, तो आपका 13 आ गया। 8 पहले वैल्यू थी, 13। तो सिंपल, आई होप आपको ये पता चल गया होगा कैसे करना है। एक दो एग्जाम्पल्स हम और लेते हैं। अब देखिएगा, मान लो आपको लोग, तो कई स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं इसमें कि पहले आप लोग ले लेते हो, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हो लोग 5, तो इन्फिनिटी एरर शो करा है। तो इसमें अपोजिट चलता है, हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे जिस भी वैल्यू का आपको लोग निकालना है, तो वो वैल्यू लिख लीजिए। मान लो 5 का निकालना है आपको लोग, 2 का निकालना है, 5 लिखो, देन लोग प्रेस करो, तो आपका आंसर आ गया, ये लोग 5 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब मान लो ये लोग 5 की वैल्यू है, इसी में आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाता है ऐड करना है, मान लो इसमें कुछ वैल्यू, तो आप क्या क्लिक करोगे, फिर से आपको राइट ना करना पड़े, आपका टाइम हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ एम एस पे क्लिक कर दीजिए, मेमोरी में सेव हो गया है, देन क्लियर कीजिए। अब क्या ऐड करना है, मान लो मैं इसमें 8 ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करना चाहते हैं तो प्लस कर दीजिए, कर दिया हमने। अब आप मेमोरी को रिकॉइल करवाइए, तो उसमें 8 आपका ऐड हो गया है। इस टाइप से आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो कई बार हम क्या मिस्टेक कर देते हैं, अब मेमोरी को क्लियर कीजिए और फिर आपको, क्योंकि नेक्स्ट करोगे ना तो वो पहले वाला ऐड ना हो, इसलिए। अब मान लो आपको लोग एक्सपोनेंशियल वाला, तो उसमें भी ऐसे ही करना है, पहले वैल्यू प्रेस करोगे, मान लो ई निकालना है तो ई का हो गया, ई की पावर आपको 5 निकालना है, 2 निकालना है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, ऐसे निकले। अब कई बार रूट आ जाता है, एंड रूट आपको स्क्वेयर निकालना, तो उसमें क्या करो, मान लो आपको 5 6 है और पॉइंट हमने मान लिया कि 3 है, इसको आपने डिवाइड करना है मान लो 9 से, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसका आपको स्क्वेयर रूट चाहिए, तो आप सीधा यहाँ से स्क्वेयर रूट वाले पे प्रेस करो, ये आपका स्क्वेयर रूट आ गया, यहाँ से आप निकाल लिया अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, अब आपको मान लो कि आपको स्क्वेयर, कई बार हमें स्क्वेयर करना पड़ता है क्यूब, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके सीधा ये साइन इसको क्लिक कर दीजिए, तो स्क्वेयर हो गया। अब मान लो इसका क्यूब करना होता आपका, तो आप क्यूब पे प्रेस कर दीजिए, क्यूब निकल आ जाता। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। आप न्यूमेरिकल्स देखोगे, केमिस्ट्री के देखो या फिजिक्स में, अब साइन है उनमें भी ऐसे ही होगा, पहले वैल्यू पुट करो, मान लो साइन है तो आपका साइन 2 कर दो, तो साइन 2 की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से आपको लॉगरिथम वाले सोल्व करने हैं। ठीक है, तो लोग के लिए आप अंडर रूट के लिए कर, अब मान लो कई बार हमें 1/5 + 1/6 करना है मान लो, तो आप क्या करोगे, सीधा 5 पुट करो। अब 1/5 करना है तो यहाँ 1/x इसको कर दीजिए, 1/5 आ गया। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है, मान लो प्लस, अब क्या ऐड करना है, मान ली हमें 3 करो, 3 ऐड करना है, तो अब 3 ऐड कर दी, ये वैल्यू आ गई आपकी। तो यहाँ पे 1/x वाला भी कर सकते हो। अब इसी चीज़ को आप चाहते हो इसमें कुछ ऐड करना, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, एम मेमोरी सेव पे, मेमोरी में सेव हो गया है, क्लियर कीजिए। अब इसमें क्या ऐड करना चाहते हो, मान लो 9 है, उसको मैं घटाना चाहती हूँ, सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मेमोरी को रिकॉइल करवाइए और वैल्यू आ गया आपकी 5.8, जो वैल्यू थी उसमें सब्ट्रैक्ट हो गया। इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हो इसको। लॉगरिथम वाले क्वेश्चन है ना, वो भी ऐसे, जैसे पहले वैल्यू पुट करो, देन आप लॉग कीजिएगा, तो ये वैल्यू निकलाएगी। अब कई बार आप जैसे अरेनियस इक्वेशंस वाला होता है, तो उसमें जैसे के ए की पावर, तो उसमें आप नेचुरल लॉग को सोल्व करके पहले पावर्स, तो ये ट्राई करो कि 10 की पावर को खुद से सोल्व कीजिए, फिर वैल्यू में फिर देखिए यहाँ पे। अब मान लो बेस में होता है कई बार x की पावर y है, मान लो आपको 5 की पावर 3 चाहिए, 5 है, अब हमें पावर में चाहिए ना, तो आप x की पावर y वाला करो, मतलब 5 लिख दिया x y, अब हमें किस कितनी पावर चाहिए आपको, 4 चाहिए, 10 चाहिए, 4 चाहिए, तो आप यहाँ क्लिक करो, आ गया 625। तो यही वैसे है, क्यूब करना तो ये करो,
स्क्वेयर करना है तो ये करो, ई के पर एक्स करना है तो ये, लॉग वाई अलग करना है तो ये करो। जो पहले आपको वैल्यू पुट कीजिए, अब जैसे ये कि हमने लॉग वाई एक्स कर लिया, अब बेस आपका जैसे कितनी वैल्यू रखना चाहते हो आप इसकी, जो भी वैल्यू करनी है वो रख दीजिए इस टाइप से। एन फैक्टोरियल करना है, इसका मतलब क्या, पहले वैल्यू पुट कीजिए कितने का फैक्टोरियल चाहिए, मान लीजिए 4 है और आपको फैक्टोरियल चाहिए उसका, तो एन फैक्टोरियल पर क्लिक कीजिए, आंसर आ गया आपका 24। अब इसी में आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो इसको मेमोरी पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, क्लियर कीजिए, जो भी वैल्यू आपको ऐड करनी है, मान लो 10 इंच की आपको इसमें 5 और 4 ये ऐड करना है, और ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक कीजिए, मेमोरी को रिकॉल करवा दिए, पहले वाली वैल्यू में ऐड हो गया। ठीक है, तो ये जर्नल से थे, तो इसमें हमने सारे देख लिए हैं ऑलमोस्ट। तो आपको न्यूमेरिकल्स में लॉग वगैरह का आता है, बाई में करना, और इसमें एक स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक ये करते हैं कि जैसे हमने सोल्व करना है आपका 5, 8 है और प्लस में अब जैसे मल्टीप्लाई करनी है मेरे को इसको 9 से, मैंने कर दिया यहाँ पे आ गया, अब इसको फिर से ऐड करके ब्रैकेट में कुछ और वर्ड्स हैं तो आप यही यूज़ करोगे, डायरेक्ट उसमें कर दोगे तो गलती हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मान लो कि 4 है, अब 1/4 किया, अब इसमें आपने प्लस किया, 1 ब्रैकेट किया, अब 5 है उसका भी आपको ब्रैकेट करना है, और फिर इस ब्रैकेट में तो अंदर वाला पार्ट सोल्व होगा, फिर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐड हो गया अब इस चीज़ में, तो ये इस टाइप से सोल्व करनी है आपको, ब्रैकेट का भी यूज़ करना है। ठीक है, मेमोरी सेव वाला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एडिशंस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ये क्या इसके लिए होता है, मान ली कोई पॉजिटिव वैल्यू आपको नेगेटिव करनी है तो नेगेटिव, क्योंकि कई बार आ जाता है ना -9 है उसके बाई में जैसे आपको करना है 12 कर दीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी हो तो माइनस की वैल्यू, अब इसमें कुछ ऐड करना है या उसका रेसिप्रोकल लेना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको क्यूब रूट करना है तो क्यूब रूट वाले पे क्लिक कर दीजिए, इक्वल टू का साइन प्रेस जरूर करना है, वैसे साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स, टेंजेंट है, पाई ई, एन फैक्टोरियल साइन, ये करना है आपको। ठीक है, और यहाँ से आप इसको क्लियर कर, अब मान लो कई बार आपका मिस्टेक हो जाती है, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया और 9 की जगह 8 आना था, तो यहाँ इसका यूज करोगे 9 तो हट गया, अब आपको 8 करना है तो 8 कीजिए, अब उसमें एडिशन करना है, लॉगरिथम लेना है, टेंजेंट लेना है, क्यूब लेना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये ही है हमारे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, यही था इस वीडियोज़ में, थैंक यू।